हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा करके, तो इसके लिए आपको शुरू से लास्ट तक देखना होगा। देखिए, अगर आप भी एक यूट्यूबर है, अगर आप भी एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म में अगर आप अपलोड करते हैं आपके वीडियो, तो ये आपके लिए है। देखिए, हम अक्सर ये करते हैं कि हम सिर्फ यूट्यूब के पीछे भागते हैं। देखिए, अगर आपके जो यूट्यूब चैनल है नए हो या पुराना हो सकता है आपके जो यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ कम आ रहा हो, व्यूज ना आ रहा हो, सब्सक्राइबर कम आ रहा हो। देखिए, इससे काफी नहीं है दोस्तों, आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको ये जो है आपका वीडियो जो है शेयर करनी चाहिए। देखिए, आज मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, आप अपने चैनल को बिना मोनेटाइजेशन किए आप अर्निंग कर सकते हैं। इसीलिए आप शुरू से रास्ता देखते रहिएगा और इसका चैनल कैसे क्रिएट करते हैं मैं दिखाऊंगा। ये पहला पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, पहला पार्ट, इसलिए आपको शुरू से रास्ता देखता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, ओके गाइस, मैं हूं उषा रंजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल जरूर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के मैं वीडियो में बताऊंगा आप एक चैनल जो है कैसे क्रिएट करते हैं डेली मोशन। आप डेली मोशन यूज करते होंगे, पता नहीं यूज करते नहीं करते हैं, लेकिन अगर यूज करते भी है तो शायद आपको पता भी हो सकता है। देखिए, अगर यूज नहीं करते हैं तो आपको जानकारी भी नहीं होगा। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा यूट्यूब चैनल में जो डेली मोशन में जो है एक चैनल क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में आपको पता है आपको नए नए अपडेट लेटेस्ट अपडेट वीडियो जो है आपको पाने के लिए, इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप उसको जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके दबा दें। तो चलिए, हम बिना समय गए शुरू कर देते हैं। चलिए तो दोस्तों, देखिए अभी हम लोग स्क्रीन के डैशबोर्ड पे हैं। सबसे पहले आपको चैनल क्रिएट करने के लिए उस साइट पे जाना पड़ेगा, उसमें इसमें डायल कीजिए डेली मोशन, ठीक है। इसमें डेली मोशन इसमें सर्च कीजिएगा, तो इसमें सबसे पहले ऊपर जो ऑफिशियल पेज आएगा दोस्तों डेली मोशन, इसमें क्लिक करना होगा। तो इसमें मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है इसके लिए, तो इसमें नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं। तो आपको इसी प्रकार का इंटरफेस होगा दोस्तों, तो आपको इसी प्रकार का इंटरफेस तो आएगा दोस्तों, इसे ध्यान से देखना आपको, ठीक है ना। जैसे इसमें इस प्रकार इंटरफेस आएगा, आपको ध्यान से देखना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा नीचे जाना है, स्क्रोल करके नीचे जाएगा दोस्तों। नीचे जैसे ही जाओगे तो यहाँ देखिएगा सबसे नीचे इसमें बीकॉम ऐप पार्टनर जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इसमें क्लिक कर देंगे दोस्तों, आपको मैंने इसमें ऑलरेडी क्या हुआ है दोस्तों, इसमें क्लिक कर दोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए, इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ चाहे तो कुछ पढ़ सकते हैं। देखिए, आप जो भी इसमें इस्तेमाल करेंगे आपको इस प्रकार का आपको ऑप्शन शो करेगा दोस्तों। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको डेली मोशन इज अ लीडिंग वीडियो प्लेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें जैसे यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं उसी प्रकार इसमें काम करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पैसा कमाना है बहुत आसानी से, आपको इसमें मोनिटाइजेशन करने की जरूरत है, आपको व्यूज और आपको फॉलोअर्स बस चाहिए होता है दोस्तों। यहाँ आप डिटेल इसमें जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा ऊपर जो आ रहा है गेट स्टार्ट, ठीक है। इसमें गेट स्टार्ट के ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा, इसमें क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे आपको इस प्रकार का ऑप्शन शो करने लगेगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना होगा, आपको जिस चैनल के चैनल से खोलना है। आप चाहे तो पहले से, अगर मान लीजिए यूट्यूब चैनल है आपका, उसी यूट्यूब चैनल से आप खोल सकते हैं दोस्तों चाहे तो, ठीक है। उसके नाम से उसी वीडियो को आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें नीचे पासवर्ड की बात रहे, पासवर्ड देखिए मिनिमम जो है 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, कुछ जो है एटलीस्ट एक लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और कुछ स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए दोस्तों, ताकि ये जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको अपना जो है ईमेल आईडी जो है इसमें लॉग इन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं सब कुछ यहाँ पे फिलअप कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको जीमेल आईडी फिलअप करना है, उसे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर लिया, जैसे मैंने कहा इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्लिक कर देंगे आपको सीधा इसके नीचे जाएगा, आप साइन अप के बटन पे क्लिक करना होगा आपको। तो देखिए, जैसे इसमें क्लिक कर देंगे आपको चाहे तो यहाँ पढ़ सकते हैं, वी केयर अबाउट योर डाटा प्राइवेसी, ये चाहे तो इसमें डेली मोशन के बारे में इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें पैराग्राफ को इसमें इंफॉर्मेशन जो दिया गया है तो इसमें पढ़ सकते हैं, या तो आप इसमें एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे इसमें क्लिक कर देंगे आपको जो है बीकॉम ए पार्टनर, कांग्रेचुलेशन यू आर 3 स्टेप अवे फ्रॉम ऑब्टेनिंग ए पार्टनर आइकन, आपको 3 स्टेप्स इसमें कंप्लीट करना है। इंटर ईमेल वैलिडेशन कोड जो है, आपके ईमेल आईडी पे एक वैलिडेशन कोड भेजा गया है, आप उसको यहाँ पे इंटर करना है दोस्तों, ठीक है। 6 डिजिट का है जो कि इसमें आपके जीमेल पे आएगा, मैं इसमें देखता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ जो है वैलिडेशन कोड जो है मैं यहाँ इंटर कर चुका हूँ। अब इसके बाद यहाँ नीचे इंटर के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। आपको मान लीजिए वैलिडेशन कोड नहीं आता है तो यहाँ रीसेंड का ऑप्शन आ रहा है, नीचे रीसेंड पे क्लिक कर दे सकते हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं मिलता है तो कोड आप फिर से उसको भेज सकते हैं। चलिए, हम इंटर पे क्लिक कर देते हैं। घबराए नहीं दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप पीसी कंप्यूटर नहीं है तो आप इसी चीज को आसानी से जो है
अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस अपना क्रोमो को खोलना है मोबाइल पे, आप उसको आपका जो साइट है वो डेस्कटॉप मोड में कर देना है, उसमें आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। आपको जैसे इसमें करेंगे इसी प्रकार आपको शो करने का लगेगा, वेरिफिकेशन ईमेल आईडी हो चुका है, आप टर्म्स एंड कंडीशन इसको आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। बिकम ए पार्टनर डेली मोशन के बारे में बहुत कुछ लंबा चौड़ा लिखा हुआ है दोस्तों, चाहे तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, या तो आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, नीचे जो है जाएंगे, ओके। उसके बाद ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप इसमें एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपका चैनल क्रिएट हो चुका है दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा और एक स्टेप कंप्लीट करना है। देखिए इसमें, देखिए सबसे पहले आप इसमें अपना लोगो लगाएंगे, इसमें बैनर लगाना होगा दोस्तों, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको, आपको इसमें अपना चैनल का नाम देना है, ठीक है। इसमें आपका चैनल का नाम क्या है, इसमें अपना चैनल का नाम देना होगा। सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं, आपको इसमें एक लोगो देना होगा, तो इसमें क्लिक कर दीजिएगा। इसके लिए आपको पहले से एक इसमें बनाना होगा दोस्तों, लोगो बनाकर रख लीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, मैं यहाँ से लोगो को यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट। देखिए इसमें 160x160 लोगो बना लीजिएगा, आप पहले से बनाना रखिएगा, नहीं तो इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए अपलोड हो चुका है 160। अब इसका बैनर 190x1080 की का होना चाहिए, तो यहाँ से क्लिक करके मैं बैनर को अपलोड कर देता हूँ। देखिए मैं बैनर को यहाँ से चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे ओके के बटन पे अपन पे क्लिक कर देते। देखिए आपको इस प्रकार का आपको शो करना है। देखिए मान लीजिए आप मोबाइल के स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार शो करेगा, आपका टैबलेट में यूज करोगे तो इस प्रकार आपको शो करने लगेगा, आप डेस्कटॉप में यूज करोगे तो डेस्कटॉप में इस प्रकार का आपको शो करने लगेगा। उसके बाद या तो आप सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे ओके ये हो चुका है दोस्तों। देखिए आप पहले से सजा के रखिएगा क्योंकि मेरे पे सही नहीं किया अच्छे से। उसके बाद आप नीचे जो आपका चैनल का नाम है, देखिए आपको एक बार में करना है दोस्तों, अगर एक बार में नहीं करोगे दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकता। देखिए मैं इसमें कर लेता हूं, ठीक है। अब इसमें टैग लाइन क्या देना चाहते हैं, टैग लाइन आप चाहे तो टैग लाइन दे सकते हैं, क्या देना चाहते हैं आपका मर्जी से दे सीजिए, ठीक है, या तो इंटरटेनमेंट जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा आपका जो चैनल के बारे में, डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा दोस्तों, हेलो गाइस इस प्रकार जो देना चाहते हैं, हेलो दोस्तों हेलो गाइस इस प्रकार जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन से वेलकम इसी प्रकार लिख सकते हैं। आप पूरी तरह इसमें पूरा लिख दीजिएगा दोस्तों, यहाँ कम से कम इसमें 2000 लेटर्स तक आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों चैनल पे। अब उसका जिसे बाहरी आता है दोस्तों, ये आप चैनल का यूआरएल, चैनल का यूआरएल आप पहले एक बार लिख दीजिए, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। इसको यू कैन ओनली चेंज योर यूजर वंस, एक बार ही चेंज कर सकते हैं। देखिए आपको इसे देना होगा, तो मैंने इसमें अपना लिख दिया, थोड़ा आपको देख के भरना होगा दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा दोस्तों, आपका कोई भी वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे आप चाहे तो फेस कर सकते हैं, या अगर नहीं है तो इसमें खाली छोड़ देते, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए राइट साइड में आप लैंग्वेज किस में देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं हिंदी दे देता हूँ यहाँ पे, आप अपना कंट्री इंडिया लिख दीजिए। उसके बाद आपका फेसबुक का यूआरएल इसमें दे दीजिए, वेबसाइट तो इसमें तब तक के लिए मैं भर देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों मैं यहाँ पूरी तरह सब कुछ फिलअप कर चुका हूँ, उसके बाद आप बस अच्छे से देखना है। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए सेव के बटन पे क्लिक कर देना होगा, आपको इसमें क्लिक कर देते हैं। ओके गाइस तो देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से देख सकते हैं वेलकम टू द डेली मोशन पार्टनर प्रोग्राम, यानी डीपीपी उसको कहा जाता है, डेली मोशन पार्टनर प्रोग्राम उसको कहते हैं। एज ए पार्टनर यू हैव नाउ यू हैव एक्सेस टू एडवांस टूल्स एंड द फीचर्स, प्लीज नोट योर डीपीपी, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप चाहते हैं अपने चैनल को यहाँ से व्यू कर सकते हैं कैसे लिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको शो करने लगे यहाँ पे, आप चाहते व्यू कर सकते हैं यहाँ से। तो आज का स्टेप यहाँ तक ही बताऊंगा दोस्तों, आप थोड़ा सा और एक चीज बता देता हूँ, उसके बाद अगले में दूसरा सीरीज में कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, मैं इसके बारे में अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा। बस आपको थोड़ा सा इसमें जानकारी लेना है, बस आपको वीडियो को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। आप देखिए यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेटिंग में भी जा सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों आपका चैनल इसी प्रकार का दिखने लगे, आप देखिए इसमें चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं आपका चैनल पे एडिट करके, यहाँ पे आप चाहे तो सोशल मीडिया इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा यहाँ से, ओके इस साइड यहाँ से एडिट करके। इससे सबसे पहले सेटिंग में जाता हूँ,
उसके बाद मैं इस सेटिंग में जाता हूँ। देखिए यहाँ से आप अपने अपडेट कर सकते हैं, अपना सब कुछ, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ जो भी है यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ है इसमें आप चाहे तो देखिए चेंज पासवर्ड यहाँ से करते हैं, ईमेल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसमें रिचार्ज आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जो चाहे यहाँ से कर सकते हैं, इसमें अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ फिर से जा सकते हैं बैक, इसके बाद जो है पार्टनर क्यू पे एक बार जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ से है सब, आप चाहते हैं यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से कम से कम 10 वीडियो तुरंत आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, या तो ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी वीडियो डालना चाहते हैं यहाँ डाल लीजिए। इसमें प्लेलिस्ट बना सकते हैं यहाँ से, क्रिएट प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे देखिए एनालिटिक्स यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एनालिटिक्स है आपका, देखिएगा ये है डेली मोशन का जो है आपका चैनल का URL, यहाँ सही तरह से बन जाए। यहाँ देखिए ओवरव्यू है, वीडियो मोनेटाइजेशन, वेबसाइट एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ। ठीक है, वो मोनेटाइजेशन जो भी है आप तुरंत ही कमा सकते हैं दोस्तों पैसा। आप इसमें चैनल यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ पे चैनल देख सकते हैं। तो देखिए कि आपका चैनल इस प्रकार का शो करने लगा, चाहते हैं यहाँ से एडिट करके आप कुछ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन में यहाँ देखिए ईमेल का प्रिपरेशन यहाँ पे है। उसका एडवांस सेटिंग में जाए तो एडवांस सेटिंग में देखिएगा, एडवांस सेटिंग में देखिए चैनल कीवर्ड, क्रिएट कीवर्ड्स किस में आप देना चाहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं जो है मैनेज योर एफपीआई की, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं एफपीआई की। देखिए अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, इसमें गूगल ट्रैकिंग एनालिटिक्स आदि यहाँ देख सकते हैं जो है। ओके, इस प्रकार आप जो है जो देना चाहते हैं, इसमें वेबसाइट आईडी है इसमें दे सकते हैं, सेकंड लेवल आईडी है तो दे सकते हैं, या तो आप इसमें मैंडेटरी नहीं है तो छोड़ सकते। इसके बाद आप वीडियो को एम्बेड करना चाहते हैं, एम्बेड ये जरूरी, ये इसलिए जरूरत है, मान लीजिए आपके पास वेबसाइट है, वेबसाइट के लिए आप एम्बेड कर सकते हैं, आपको इस प्रकार का शो करने लगेगा एम्बेड करते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार शो करने लगा, चाहे तो इसका डेमो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार आपको शो करने। इसके बाद डेमो वेरिफिकेशन, इसमें देखिए डोमेन है तो इसमें डोमेन इसमें देख सकते हैं, दे सकते हैं आप वेबसाइट का। उसमें आर्मी की बात करते हैं, नीचे यहाँ देखते हैं, जैसे आर्मी में आपका बैलेंस और कारण बैलेंस इतना दिखा रहा है। ठीक है, आपका बैलेंस में शो करेगा। ठीक है, उसका पे आउट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप किस में पैसा ले सकते हैं। देखिए इसमें देखिए पे आउट मेथड पे जाएंगे, जैसे इसमें क्लिक कर देंगे, यहाँ ध्यान से देखना है दोस्तों, आप एड पेमेंट मेथड पे इसमें क्लिक कर देंगे। देखिए आपको इस प्रकार का शो करने लगा, आप किस में देना चाहते हैं, इंडिविजुअल है, कंपनी है आपका चैनल, इंडिविजुअल कंपनी है तो आपको इंडिविजुअल दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपन नाम, पार्स नेम, लास्ट नेम देना होगा, स्ट्रीट कहाँ से, आपका एड्रेस पूरा, इसमें सिटी सब कुछ भरना होगा, उससे आपका कंट्री कहाँ से इसमें सेलेक्ट करना होगा। इससे पे आउट किस में ले सकते हैं, आपका बैंक ट्रांसफर पावर पेयोनियर से भी ले सकते हैं। ठीक है, बैंक ट्रांसफर आप किस में लेना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर पेयोनियर का अकाउंट है तो पेयोनियर कार्ड से, प्रीपेड कार्ड से भी ले सकते हैं, एटीएम, उसके बाद पेपाल से भी ले सकते हैं, 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, पेयोनियर से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, उसके बाद बैंक ट्रांसफर 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, ये बिल्कुल अच्छा है। इसका क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट बटन में क्लिक करके ये अगले वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। ओके गाइस, तो आप लोगों को पता चल गया होगा किससे किया जाता है। देखिए अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो शुरू के लिए फिर से आप री करके देख सकते हैं। ओके, आपको री कर सकते हैं या तो आप वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आता है कैसे किया जाता है, अब इससे आसानी से आप जो है आप अपने जो वीडियो जो है आप चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए पेपाल जो है पेपाल थ्रू, पेयोनियर के थ्रू आप पैसा ले सकते हैं। ये फेक नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल रियलिटी है। तो इसके साथ साथ मैं भी शुरू कर दूंगा दोस्तों यहाँ से काम करना। ठीक है, और हो सकता है आप लोग भी यहाँ से शुरू कर दीजिएगा, सिर्फ आप YouTube के पीछे मत भागिए, आपका सारे वीडियोस जो चैनल है आप कहीं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया में आप शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया। तो अगर आई होप कि अगर आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करके दबा दे। तो मिलते हैं अगले, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।